मिस्टर ईशान भोसले। लगता है महायुद्ध होने वाला है। बाहर आइए, बात करनी है आपसे। मैंने कहा बाहर आइए, बात करनी है आपसे। जानता हूं तुम्हें किस बारे में बात करनी है। चौहान प्लीज चलो यहाँ से। रहने दो ना चौहान, जाने दो। जाने दो ना सभी, चलो यहाँ से। क्या था ये? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने की? क्या समझती क्या हो तुम खुद को? पत्थर क्यों मारा? क्योंकि आपने मजबूर किया। मैं जानता हूं तुम अब क्या बोलोगी। मैं आपके पैसे चुका दूंगी, अपनी डायरी में लिख लूंगी, लेकिन अब बस, तुम्हारा और मेरा डायरी वाला हिसाब खत्म। सभी डायरी की बात तो मैं कर भी नहीं रही थी। और आपकी गाड़ी का शीशा इसलिए तोड़ा क्योंकि आपने ऐसा करने पर मजबूर किया था। मैंने तुम्हें मजबूर किया? हाँ, आप ही ने मजबूर किया है। जब कोई नाइंसाफी करने के बाद बात तक करने को तैयार ना, तो उसकी अटेंशन पाने के लिए ना उसे थोड़ी टेंशन लेनी पड़ती। और अब जब आपकी अटेंशन यहाँ पर है, तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ। शुक्ला जी को नौकरी से क्यों निकाला? कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं मैं? आपकी दुश्मनी मुझसे है ना? मुझी से निकालिए। इतनी ओछी हरकत करेंगे आप कि शुक्ला जी को नौकरी से निकाल दिया आपने? आपकी घटिया हरकत ना कभी नहीं भूलूंगी मैं। खुद को ना इतने इंपॉर्टेंट मत समझो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वजह से मैंने शुक्ला जी को नौकरी से निकाला? ये तुम्हारी ख्याली दुनिया से ना बाहर निकलो सभी, वहां तुम्हें हकीकत नजर आएगी। मैंने शुक्ला जी को कोई नौकरी से नहीं निकाला, मैंने बस उन्हें एक ऑप्शन दिया कि वर्किंग आवर्स में उन्हें कॉलेज में नौकरी करनी पड़ेगी और वो कहीं बाहर नौकरी नहीं कर सकते उस वक्त के लिए। और अगर उन्हें कहीं बाहर काम करना है, किसी और की मदद करनी है, तो उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने उन्हें ऑप्शन दिया, विकल्प दिया, उन्होंने चुना। डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम्हें? वैसे मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी का जवाब देना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। तुम क्या सोचती हो, क्या करती हो, मुझे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो और समझ लो, आइंदा मेरे कॉलेज के मामले में दखल अंदाजी मत देना, अपनी टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये बात याद रखना। जो आपने किया है ना, उसे याद तो जरूर रखूंगी और छोड़ूंगी नहीं ऐसे।